नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम शुक्ला और आज आपके सामने मैं बात करने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे पहले हम बात करेंगे होम टैब की। आपको हम बता दें कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग ट्रिपल सी ओ लेवल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन जो ऑप्शन से रिलेटेड बनाए जाते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो लोग कॉमर्स फील्ड से हैं या फिर अकाउंटिंग फील्ड से हैं, क्योंकि कॉमर्स और अकाउंटिंग फील्ड में एक्सेल और टैली का विशेषकर यूज़ रहता है। जैसे कि यहाँ पर बात करें, सबसे पहले हम आपको बता दें ये होता है टाइटल बार, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि टाइटल बार कहाँ पर पाई जाती है। ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पर पाई जाती है, तो ऑफिस बटन के जस्ट दाईं ओर होती है। फिर उसके बाद हम बात करें, हम यहाँ पर होता है नेम बॉक्स, इसको बोलते हैं, जहाँ पर हम किसी भी सेल में जिस सेल में होते हैं उसका नेम यहाँ पर शो होता है। और इसको बोलते हैं एड्रेस बार या फार्मूला बार। तो हम ये अगर हम बात करें कि अगर क्वेश्चन पूछता है ट्रिपल सी की बात करें, तो जो हम टाइप करते हैं वो सेल के अलावा कहाँ पर दिखाई पड़ता है, तो ये होता है एड्रेस बार या फार्मूला बार में शो करता है। ठीक, हम बात करें कि सेल क्या है। जैसे कि कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं हम सेल्स। यहाँ पर जैसे ये सेल है, तो इसको रो इस तरीके से और कॉलम इस तरीके से, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा, सेल। ठीक, ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। सीट टैब कहाँ पर होते हैं, सबसे नीचे की लेफ्ट की तरफ होते हैं, ये चीज़ होती है। और ये उनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर होम टैब की क्लिपबोर्ड के ऑप्शन के बारे में। कट कॉपी पेस्ट नॉर्मली लोग जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। इस तरीके से मान लिया कि इसको हमें अगर कट कराना है, तो हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे और कट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ले जा करके इसको पेस्ट कर देंगे। मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए हम कट का यूज करते हैं। वहीं अगर डेटा की कॉपी कराना हो, मतलब कि नकल करानी हो, तो हम कॉपी पे क्लिक करते हैं और दूसरी जगह हम प्लेस सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पर जाकर उसको हम कॉपी करा सकते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे फॉर्मेट प्रिंटर की। तो फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है कि बेसिकली जैसे किसी पर भी कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करी गई है और उसका फॉर्मेट जो है हम किसी अन्य पर अप्लाई कराने के लिए हम फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने इसकी थोड़े से फॉर्मेटिंग चेंज कर रखी है और इसका हम जरा कलर भी दे देते हैं, और इसी की हम फॉर्मेटिंग किसी अदर पर लगाना चाहते हों, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर लाएंगे, सॉरी इसको कॉपी की बजाय सॉरी फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करके हम जिस पर भी क्लिक कर देते हैं उसकी फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई हो जाती है। ठीक, इसी तरीके से हम अगर किसी अनदर पर लगाना चाहते हैं तो फिर से फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करते हैं, क्योंकि वो बैकग्राउंड में उसी में पड़ा हुआ है डेटा। और सेवम पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये भी उसी तरीके की फॉर्मेट का हो जाता है। फिर हम बात करेंगे पेस्ट में जो कुछ छुपे हुए ऑप्शन, जैसे कि पेस्ट स्पेशल होता है, ये कब काम करते हैं, तो हम इस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर हमने एक डेटा सेलेक्ट कर रखा है, टू रो इस तरीके से सेलेक्ट कर ली है, और इसको हम करते हैं कॉपी और इसको हम प्लेस सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जाते हैं पेस्ट और पेस्ट स्पेशल। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा जो डेटा है वो किस तरीके से पेस्ट होता है, इसको हम चाहें तो ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से देखिए हमारा जो यहाँ पर था हॉरिजॉन्टली था और यहाँ पर वर्टिकली आ चुका है। फिर हम बात करें कि कुछ जैसे कि माना कि ये केमिस्ट्री के नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, अगर हम चाहते हैं कि किसी में कुछ ऐड करा दें, ठीक, जैसे कि हम चाहते हैं कि सब में दो नंबर ऐड कराना चाहते हैं, ठीक, तो हम इसको करेंगे क्लिक और यहाँ पर करेंगे कॉपी और फिर हम यहाँ पर कॉपी करके इसको सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमको ऐड कराना है, पेस्ट पे जाएंगे और पेस्ट स्पेशल और यहाँ पर हम ऐड पे जाकर क्लिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो दो नंबर सब में बढ़ चुके हैं। ओके, फिर इसके बाद हम बात करें, अगर हमें मान लिया कि ये टोटल है, इसका हमें परसेंटेज निकालना हो, तो परसेंटेज किस चीज़ में निकालेंगे, क्योंकि ये सारे नंबर जो हैं वो 500 टोटल अगर करेंगे तो टोटल मार्क्स 500 में से सारे दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, कहीं पर भी 500 ज़रा लिख लेते हैं और उसको कॉपी करा लेते हैं। और यहाँ पर हम कॉपी कराते हैं, फिर हम डेटा सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर हमें परसेंटेज निकालनी है, पेस्ट स्पेशल पे जाते हैं और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आता है ऑप्शन डिवाइड का। 500 को जब नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमको परसेंटेज प्राप्त होगा, ओके करते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से नहीं आ पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जनरल लगा हुआ है, यहाँ पर जाते हैं, हम परसेंटेज लगाते हैं, क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर परसेंटेज शो कर रहा है, लेकिन क्या है कि 00 पॉइंट पॉइंट करके शो रहा है। अगर हमको ये नहीं चाहिए तो हम यहाँ से हटा सकते हैं इसको, इस तरीके से हमको डायरेक्ट परसेंटेज शो हो जाता है। ओके, तो हमारे यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का काम होता है। अगर हम इसको फिर से रियल डेटा में शो कराना चाहते हो, तो फिर से हम जैसे कि यहाँ पर से हटाएंगे और जनरल कैटेगरी पे ले जाएंगे, सॉरी यहाँ पर 500
इसको नहीं, सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे कॉपी, और यहाँ पर हम डेटा सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट करना है, कॉपी और पेस्ट के बाद पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर जो हमने डिवाइड का ऑप्शन चुना था अब यहाँ पर मल्टीप्लाई चुनेंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा डेटा तो आ गया है लेकिन हमारा जो है जीरो जीरो की वजह से, परसेंटेज की बजाय हम जनरल सेलेक्ट करेंगे और हमारे सारे नंबर आ गए हैं वैसे के वैसे। ओके, यहाँ पर हम क्लिप बोर्ड के सारे ऑप्शन की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे जैसे कि यहाँ पर कैलिबरी लगी हुई है लैंग्वेज, तो हम लैंग्वेज अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम कैलिबरी से जा करके कोई दूसरी अनदर लैंग्वेज भी हम चुन सकते हैं। इस तरीके से हम कोई भी चेंज कर और उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम यहाँ से हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो ये तो सारे लोग जानते हैं। फिर हम बात करेंगे इसको इसी तरीके से इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको दबाते रहें तो देखिए यहाँ पर कैपिटल हो रहा है और इसको दबाते हैं छोटा हो रहा है। और इसको हम बात करें तो इनको बोलते हैं डिक्रीज फॉन्ट साइज या फिर इंक्रीज फॉन्ट साइज। ओके, फिर इस बाद में हम यहाँ से बोल्ड इटैलिक अप्लाई करते हैं। बोल्ड अगर लगाते हैं तो सारे नंबर बोल्ड हो जाते हैं, इटैलिक लगाते हैं तिरछे हो जाते हैं, अंडरलाइन लगाते हैं तो सब पे अंडरलाइन लग जाती है। फिर हम बात करें बॉर्डर लगाने की, तो जैसे कि हमने यहाँ पर डेटा सेलेक्ट कर रखा है इस तरीके से, और हम इस पर यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम चारों तरफ से ऑल बॉर्डर अप्लाई करते हैं तो सब पर बॉर्डर लग चुका है, चाहे तो अप्लाई करें चाहे तो नहीं। और इस तरीके से हमारा डेटा जो है हमने कर लिया है। फिर इसके बाद हम करके अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या होता है देखिए, बेसिकली अब हमारे अभी हमारे नंबर जो हैं वो इधर उधर हैं। देखिए ये जो है टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट की साइड में है और जो नंबर है वो राइट साइड में है। अगर हमें इनको एक जैसे ही रखना हो तो यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे अगर टॉप अलाइन कर देंगे तो सारे नंबर जो हैं टॉप पे अलाइन हो जाएंगे, अगर सेंटर पे करेंगे तो सेंटर पे, और बॉटम में करते हैं देखिए कुछ चेंजेस आता है। और यहाँ से हम अगर चाहते हैं जैसे कि कोई टेक्स्ट है, जैसे ऊपर वाली लाइन अगर हम पूरी पूरी सेलेक्ट करें यहाँ से इस तरीके से, हाँ, और इसको हम चाहते हैं कि कोई अलग थीम में दिखे, जैसे वर्टिकली फॉर्म में अगर हम कर दें तो देखिए यहाँ पर वर्टिकली फॉर्म में दिख रहा है। हम चाहे तो जिस फॉर्म में इसको लगाना चाहते हों उस तरीके से लगा सकते हैं, ये ऐसे भी लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो भी हम फॉर्मेट लेना चाहें उस तरीके से हम लगा सकते हैं। अगर हमें नहीं चाहिए तो हम जाते हैं यहाँ पर क्लियर, और क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक कर देते हैं और हमारा नॉर्मल वे में आ जाता है। फिर हम बात करें कि यहाँ पर जो डेटा है उसको हम किस टाइप पर लगाना चाहते हैं, इस तरीके से। और इसमें जो है सारे देखिए नंबर अब लेफ्ट अलाइन हो गए, सेंटर अलाइन हो जाएंगे या राइट अलाइन हो जाएंगे। यहाँ से जो होता है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट की बात करते हैं, इस तरीके से हमारा जो पेज होता है उसके हिसाब से चेंज होता है। देखिए ये यहाँ पर कुछ आप फर्क देख पा रहे होंगे, जो डेटा है वो थोड़ा सा इधर उधर सेट होता है। रैप टेक्स्ट क्या होता है बेसिकली, जैसे कि यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, अगर हम इस पर लिख दें इसको यहाँ पर नाम बना दें स्टूडेंट नेम, सॉरी नेम पहले से लिखा है। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली नेम अभी क्या है आधा गायब होने का, यहाँ देखिए इस तरीके से गड़बड़ हो रहा है मतलब नेम। तो इसको हम क्या करेंगे, करेंगे सेल को सेलेक्ट और यहाँ पे जाएंगे, पहले देखो स्टूडेंट नेम को सेलेक्ट करते हैं, रैप टेक्स्ट पे आते हैं। जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए एक ही सेल में सारा डेटा आ चुका है, जो हमारा डेटा दिख नहीं रहा था। मर्जन सेंटर क्या होता है बेसिकली, जैसे कि बात करेंगे ये हम कोई एक रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको टाइप करेंगे यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड में आर को कैपिटल कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, फिर हम इसके बात करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं एरिया इसका, ये इतना एरिया है जो हमने सेलेक्ट कर लिया है, मर्जन सेंटर करते हैं। अब देखिए रिपोर्ट कार्ड जो है वो छोटा सा आ रहा है, इसको हम चाहें तो कैपिटल कर लें, यहाँ से जितना चाहें उतना कैपिटल बना सकते हैं, अब हमारा कायदे से दिख रहा है। और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा चाहें तो अच्छे में दर्शा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, वो अपनी मर्जी पे है। जनरल में क्या है बेसिकली, जनरल जो हम टाइप करते हैं जनरली टाइप होता है, अगर हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसको करेंसी में अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर बेसिकली डॉलर लगा हुआ होता है, अगर हम इसको चाहते हैं कि चेंज करना तो यहाँ से जा करके हम चेंज भी कर सकते हैं। मोर काउंटिंग फॉर्मेट्स पे जाएंगे और खुल जा यहाँ से हम सिंबल जो है इसको हटा करके देखिए यहाँ पर रुपए भी कहीं पर होगा, डॉलर रुपी, सॉरी रुपी, यहाँ से करेंसी भी आई है और यहाँ से
सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया, करेंसी यहाँ पर डॉलर लगी हुई है और हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, रुपए भी यहीं पर मिलता है तो, लेकिन यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा है। क्योंकि हमको लगता है ऐड नहीं यहाँ पर है, इसको हम क्या करेंगे कैंसिल, और यहाँ पर आते हैं हम और करेंसी पे क्लिक करते हैं तो ये करेंसी में चेंज हो जाता है। ओके, यहाँ से हम परसेंटेज अप्लाई कर सकते हैं किसी पर भी, जैसे इस तरीके से हम अगर अप्लाई करते हैं, जब हम परसेंटेज लिखते हैं तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई होकर के परसेंटेज हो जाता है, और इस पर जब हम हटा देते हैं किसी पर भी परसेंटेज अप्लाई करने पर, जैसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि किसी भी नंबर पर अगर परसेंटेज अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं, वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो इसको हम चाहें तो हटा भी सकते हैं, यहाँ पर जीरो भी बढ़ सकते हैं, तो इसको हम परसेंटेज के बजाय अगर जनरल कर दें तो फिर से वही नंबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये देखिए इनसे क्या होता है, जीरो बेसिकली इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल हैं जिनसे जीरो घटाए बढ़ाए जाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर बात करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, किसी एक डेटा पर हम कोई कंडीशन अप्लाई कराने के लिए इसको लगाते हैं, जैसे कि हमने ये डेटा सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और हाईलाइट सेल रूल्स मतलब कि हमको वो सेल हाईलाइट करने हैं जो कि ग्रेटर देन, कोई एक स्पेसिफिक नंबर देंगे, जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर खुलता है डायलॉग बॉक्स, यहाँ पर हम कोई एक नंबर दे देंगे और उससे जितने भी बड़े हैं वो सारे टैब जो है हाईलाइट होंगे, जैसे 85 से अगर कोई अबव है तो वो सारा टैब हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम कलर भी, इसको हम चाहें तो दूसरे कलर में देख सकते हैं, मान लें कि हम ग्रीन देखना चाहते हैं जो हमने हाईलाइट कराने हैं, ठीक है, ओके करा के हम इस पर हाईलाइट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर दूसरी कंडीशन देखें, लेस देन, लेस देन मतलब क्या होता है कि कोई हम ऐसा नंबर देंगे जिससे हमें छोटा नंबर सारे हाईलाइट कराने हैं, तो हम यहाँ पर जाकर के नंबर चेंज कर देंगे, जैसे कि हमको 84 से अगर छोटे नंबर देखने हैं तो इस तरीके से हमको दिखाई पड़ेंगे। फिर हम बात करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में तीसरा बिटवीन, मान लें कि दो नंबर हम देने हैं और उसके बीच का हमें कोई पता करना है, जैसे 163 दिया 344 के बीच में सारे जितने भी नंबर हैं वो सारे हाईलाइट कर रहा है, अगर हमको इससे थोड़ा सा कम लेना है, मान लें 16 से और यहाँ पर हम बात करें 75 के बीच के नंबर जो हाईलाइट कराने हैं, 16 क्या 60 दे लो, 60 से 75 के बीच में जितने भी हैं वो सारे हाईलाइट कर रहा है। ओके, इस तरीके से हम हाईलाइट अगर ओके कर देते हैं तो वो कंडीशन लग जाती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इक्वल टू, मतलब कोई नंबर है उसके इक्वल में अगर हमें नंबर फाइंड कराने, मान लिया हमको पता करना है किसी का नंबर जो 74 है, तो 74 देखिए यहाँ पर इंग्लिश में इनके हैं और हिंदी में हैं और ये हाईलाइट हो जाता है, ओके कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेन, अगर हम कोई किसी भी वैल्यू जो टेक्स्ट कंटेन करे होगी वो हो जाएगी। डेट अगरिंग, किसी में अगर डेट है, डुप्लीकेट वैल्यू, अगर डबल वैल्यू है डुप्लीकेट वैल्यू पर जैसे क्लिक करते हैं तो हमें पता करनी हो जो डुप्लीकेट वैल्यू जो भी जितनी भी हैं वो सारी इस तरीके की लाइट रेड में दिखेंगे, कि मतलब एक नंबर दो बार अगर प्रयोग हुआ है तो वो सारी हाईलाइट कर रहा है। देखिए इनमें बहुत सारे नंबर जो हैं, एक एक नंबर जो हैं दो दो बार प्रयोग हुए हैं वो सारे ही हाईलाइट कर रहा है, कैंसिल कर देंगे तो अप्लाई नहीं होगा। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे बात करें, टॉप एंड बॉटम रूल्स, टॉप एंड बॉटम रूल्स कहते हैं, टॉप 10 आइटम अगर हमें पता करने हैं कि टॉप 10 यहाँ पर नंबर कौन से हैं तो यहाँ पर शो कर देता है, क्योंकि टोटल भी हमने ले रखा है तो टोटल भी साथ में ले रहा है। अगर हम टोटल को हटा करके इतनी ही टेबल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इन नंबरों में सारी चीज़ें लागू होंगी। कंडीशन फॉर्मेटिंग में टॉप एंड बॉटम रूल्स, टॉप 10% में जो भी नंबर आएंगे वो सारे यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं टॉप बॉटम रूल्स में, टॉप 10 आइटम ऐसे बॉटम 10% अबव एवरेज, एवरेज क्या होता है कि सभी नंबरों का जोड़ करके उन नंबरों के नंबर से भाग करना एवरेज निकलता है, अगर हमें एवरेज के अबव के नंबर पता करने हैं तो यहाँ पर ओके करेंगे तो ये सारे एवरेज के अबव के नंबर जो है शो कर रहा है। यहाँ से हम कलर्स का भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पर आता है बिलो एवरेज, इसी तरीके से जो एबो एवरेज था बिलो एवरेज भी, मतलब एवरेज से नीचे के सारे नंबर शो करेगा। डेटा बार्स, अगर हम किसी पे डेटा बार्स अप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के डेटा बार्स हैं, तो हमें जो बड़ा नंबर है उसका डेटा बार्स जो है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है और सब छोटे दिख रहे हैं। ऐसे ही कलर स्केल है, सेम कलर स्केल जो है, जो बड़ा नंबर है उसके कलर स्केल ज़्यादा है
बाकी छोटे नंबर की कम है। फिर हम बात करें आइकन सेट की, हम इन सब पे आइकन भी अप्लाई करके देख सकते हैं। जो रेड नंबर की ज़्यादा जो हाई रेड है वो कैपिटल में नंबर है, फिर उसके बाद ब्लैक है, इस तरीके से बड़े से छोटे में हम किसी को भी अप्लाई करा करके देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे न्यू रूल मतलब कि अगर हमें एक नया रूल बनाना हो तो उसके लिए है क्लियर रूल। अगर हमें कोई अगर हमने ये रूल अप्लाई किए होते जो हमने आपको दिखाए हैं तो यहाँ पर जाकर के हम क्लियर कर सकते हैं सेलेक्टर सेल से, या फिर पूरी एंटायर सेट में जहाँ जहाँ भी चेंजेस हुए हैं उनको सबको हटा सकते हैं। फिर मैनेज रूल में अगर रूल को हम मैनेज कर सकते हैं। फिर फॉर्मेट टेबल, जैसे कि हमने ये डेटा अप्लाई करा इसको हम टेबल के फॉर्म में बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम जरा इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पर इसको हम चाहते हैं कि फॉर्मेट टेबल के रूप में दिखे, तो हम टेबल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर पूछता है और ये टेबल के फॉर्म में दिख जाता है। फिर हम जब टेबल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे टेबल के ऑप्शन आते हैं, ठीक, इनको हम अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक, और इसके बाद में हम बात करेंगे फॉर्मेट टेबल तो हो गया, फिर उसके बाद हम सेल स्टाइल, अगर हमें सेल की स्टाइल्स चेंज करनी हो जैसे कि इस तरीके से सेल की जो भी स्टाइल लेना चाहते हो तो यहाँ पर हम अप्लाई करके देख सकते हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे इंसर्ट सेल्स, मतलब कि अगर हम कोई सेल कहीं पर इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है और हमको एक नई इंसर्ट यहाँ पर सेल करानी हो, तो यहाँ पर हम सेल इंसर्ट सेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूछता है कि सेल कहाँ पर इंसर्ट होनी है, इसके डाउन में इंसर्ट होनी है, तो ये देखिए डाउन में एक सेल जो है इसको डाउन किसका आ गया और यहाँ पर सेल इंसर्ट हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए अगला है इंसर्ट सीट रोज, अगर हमें इस सीट पे कोई रो नहीं इंसर्ट करानी हो तो पहले रो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट सीट रोज पे आएंगे और यहाँ पे एक सीट रो इंसर्ट हो जाएगी। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल से प्लस भी है, कंट्रोल से प्लस से भी नई रो इंसर्ट हो जाती है। अगर हम कॉलम पे आते हैं और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और प्लस क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक ये भी हो गई है। अगर हमें इसको हटाना है तो कंट्रोल के साथ माइनस का प्रेस कर दें और ये हट जाती है। इसी तरीके से अगर हमको ये रो अगर कोई हटानी है तो कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस कर देते हैं तो वो भी हट जाती है। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर सीट रो हो गया, कॉलम भी इंसर्ट बता दिया। इंसर्ट सीट, जैसे कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूप से तीन सीट दिखाई पड़ रही हैं, क्वेश्चन भी पूछता है कि एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट दिखाई पड़ती हैं, तो वो तीन सीट होती हैं। अगर हमको एक नई सीट चाहिए तो इंसर्ट सीट पर क्लिक करते हैं और हमको ये फोर नंबर की सीट पता मिल जाती है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर जाकर के डिलीट भी कर सकते हैं, हमको ये नहीं चाहिए तो हम इस पर डिलीट सेल्स, अगर हमको सेल डिलीट कराना चाहते हो या डिलीट सीट रो कराना चाहते हो या पूरी सीट डिलीट कराना चाहते हो, अभी सीट फोर खुली है हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो देखिए हम सीट वन पे फिर से आ गए हैं। फिर हमको अगर कोई सेल डिलीट करानी है, जैसे मान लें कि हम इसको चाहते हैं कि डिलीट कर दे, तो यहाँ पर जाते हैं क्लिक डिलीट सेल्स और ये डिलीट हो जाती है, इस तरीके से ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इनको नंबर जरा हम दे दें। ठीक, फिर इसके बाद हम बात करें कि अगर फॉर्मेट पे क्या बचता है, यहाँ पर हमने कोई डेटा पहले सेलेक्ट कर लूँ तभी हाईलाइट होंगे। फिर डिलीट में सारे कुछ हम डिलीट कर सकते हैं, इसी तरीके से रो भी डिलीट कर सकते हैं, सीट कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पर रो अगर हमें डिलीट करानी हो तो हम क्या करेंगे, रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे डिलीट और डिलीट सीट रो, तो ये रो पूरी डिलीट हो चुकी है। ओके, फिर अगर हमें फिर इसी तरीके से फॉर्मेट अप्लाई करके देखते हैं, फॉर्मेट पे आते हैं, रो की हाइट मान लें कि जो भी हमारा डेटा बना रखे हैं उसकी हम उनमें जो रो है उसकी हम हाइट को चेंज करना चाहते हों, अगर हम जैसे यहाँ पर 20 अप्लाई करके देखते हैं तो क्या है। ओके, देखिए यहाँ पर रो की हाइट थोड़ा चेंज हो चुकी है। फॉर्मेट पे आते हैं, अगेन ऑटो फिट रो हाइट, अपने तरीके से जो डेटा है वो अपने तरीके से अगर मैनेज करें तो ऑटो फिट देखिए जैसा डेटा है वैसी हाइट हो जाएगी। फिर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं कॉलम विथ, अगर हम चौड़ाई को हम चाहते हैं कि अपने तरीके से या फिर कोई देना चाहते हों कॉलम विथ, यहाँ पर हम मान लिया 20 अगर हम कॉलम भी दे देते हैं तो जो कॉलम है वो स्तंभ बोल जाते हैं, इस तरीके से देखिए 20 में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। फिर हम फॉर्मेट पे जाते हैं और ऑटो फिट कॉलम भी कर देते हैं तो डेटा के अनुसार जो है उसकी कॉलम की विथ एडजस्ट हो जाती है, मतलब चौड़ाई एडजस्ट हो जाती है। फिर हम डिफ़ॉल्ट विथ जो पहले से लगी थी वो डिफ़ॉल्ट विथ जो 8.43 होती है, कभी कभार पूछता भी क्वेश्चन है डिफ़ॉल्ट रूप से कॉलम विथ कितनी लगी रहती है, तो 8.43। और यहाँ पर हाइड एंड हाइड, मतलब कि जैसे कि हमको चाहिए कोई रो अगर हमें हाइड करानी हो तो हम यहाँ जाएंगे फॉर्मेट और हाइड एंड हाइड पर, यहाँ पर क्या रो को हम यहाँ हाइड कराना चाहते हैं तो हमने रो सेलेक्ट कर रखी है, हाइड रो पे क्लिक करते हैं तो ये रो हाइड हो जाती है। अगर हमको फिर से अनहाइड करनी है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है अनहाइड रो और वो हमें रो फिर से दिख जाएगी। इसी तरीके से हमको कोई कॉलम अगर हाइड कराना हो तो फॉर्मेट पर जाते हैं और हाइड एंड हाइड पर, और यहाँ से हम कॉलम को जो है हाइड करा सकते हैं। ठीक, अगर हमें कोई सीट ही रो कराने, मतलब हम सीट 3 पे आए हैं इसको हमें हाइड कराना हो तो
तो हम जाएंगे हाइड एंड हाइड पर और यहाँ से हाइड सीट पे क्लिक कर देते हैं। ये भी हाइड हो चुकी है, देखिए सीट वन और सीट टू दिखाई पड़ रही है। और हम चाहते हैं कि अगर फिर से उनको लाना हो वापस तो हम अनहाइड रो, जो हमने रो हाइड अनहाइड करी थी वो आ जाएगी। पहले तो हम सीट लाते हैं, यहाँ पर हाइड अनहाइड पे क्लिक करते हैं, अनहाइड सीट पे क्लिक कर देते हैं, तो ये सीट आ चुकी है सीट थ्री। और फिर हम आ जाते हैं सीट वन पे, और यहाँ पर अगर हमने कोई चीज़ अनहाइड करी है तो यहाँ पर अनहाइड रो कर देते हैं, और ये रो आ गई है जो हमने अभी कॉलम एक अनहाइड है तो हम अनहाइड कॉलम पे क्लिक कर देते हैं और ये कॉलम भी आ चुका है। ओके, फिर हम ऑटो सम पे बात करते हैं। ऑटो सम क्या होता है, जैसे कि बेसिकली यहाँ पर हमने कोई डेटा सेलेक्ट किया, ऑटो सम पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो इनका जोड़ करके सम बता देता है। ओके, फिल है, फिल क्या होता है, जैसे कि हमने कोई डेटा यहाँ पर रख रखा है तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है फिल। फिल को कैसे यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर हमने कोई टेक्स्ट लिख लिया है इस बॉक्स में इस तरीके से, और हम इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे और एक बॉक्स इंसर्ट करा लेंगे, और यहाँ पर हम जाएंगे फिल पे। जब हम डाउन पर क्लिक करते हैं तो एक ही जो टेक्स्ट है वो हमको डाउन तक पूरा फिल मिल जाता है, अगर हम इसको राइट पर क्लिक कर दें तो पूरे में फिल हो जाता है इस तरीके से। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है किसी भी एक वर्ड को बहुत जल्दी फिलअप करने के लिए। फिर हम बात करें कि यहाँ पर एक कोई टेक्स्ट है जिसको हम टाइप करते हैं और इस पे जाते हैं, और फिर इसको एक एरिया एबव के ऊपर सेलेक्ट करते हैं और फिल पे जाते हैं और अप सेलेक्ट करते हैं, तो ये जो टेक्स्ट है अप की ओर जो है पूरा फिल हो जाता है। फिर हम बात करें लेफ्ट में, तो ये अगर लेफ्ट में पूरा वही वर्ड जो है फिलअप हो गया, ठीक, इसको चाहें तो हम। फिर हम बात करें यहाँ पर क्लियर, जैसे कि हमने कुछ फॉर्मेट्स यहाँ पर अप्लाई किए हुए हैं, अगर इधर देखें थोड़ा सा फॉर्मेट में क्या है, बेसिकली जो भी हमने फॉर्मेटिंग लगाई हैं अगर हम इनको हटाना चाहते हों, सॉरी फॉर्मेट बता रहे हैं क्लियर, यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट्स पर अगर क्लिक करते हैं तो सारे फॉर्मेट्स हट जाते हैं जो हमने सेलेक्ट कर रखा होगा एरिया। जैसे यहाँ पर से हम सारे फॉर्मेट्स अगर हटाना चाहते हों तो यहाँ पर जाते हैं क्लियर और क्लियर फॉर्मेट्स, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेट्स हट चुके हैं, तो हमने जो भी अप्लाई किए थे वो सारे फॉर्मेट्स हट जाते हैं। फिर हम बात करें यहाँ पर क्लियर में से बहुत सारे फॉर्मेट्स, अगर हमें कंटेंट क्लियर करना हो या कमेंट्स क्लियर करना हो या सारा कुछ क्लियर करना हो तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है, मतलब कोई डेटा को सॉर्ट कराना हो इस तरीके से, जैसे मान लिया कि हम चाहते हैं कि डेटा हमारा जो है, या फिर पूरी टेबल इस तरीके से सेलेक्ट कर लो, नेम वाइज भी सॉर्ट कर देगी, सॉर्ट ए टू जेड, अगर हमको ए से जेड की ओर सॉर्ट कराना है, देखिए नाम जो है वो सॉर्ट हो जाएंगे। अब देखिए अंकित जो सबसे पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद इस तरीके से सॉर्ट हो चुका है। अगर हम जेड टू ए सॉर्ट करते हैं तो जेड टू ए सॉर्ट हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर फिल्टर होता है, फिल्टर में मतलब कुछ हम डेटा चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने कि यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमको 74 नहीं चाहिए तो हम हटा सकते हैं उसको, ओके कर देंगे, 74 वाला जितना भी डेटा है वो 74 वाला हट चुका है, ठीक। तो हम फिल्टर भी कर सकते हैं। फाइंड एंड सेलेक्ट मतलब जैसे कोई हमें नंबर फाइंड कराना हो, जैसे कि फाइंड पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पूछ रहा है, जैसे कि हमको 84 फाइंड कराना है कि कहाँ कहाँ पर इसमें है। फाइंड पर जब हम फाइंड डाल करते हैं तो यहाँ पर 84 देखिए यहाँ पर हमें बता भी रहा है कहाँ कहाँ है, और हमको अगर रिप्लेस कराना हो इसी 84 की जगह पर, हम चाहते हैं कि 84 की जगह पर 85 हो जाए, तो यहाँ पर 85 कर क्लिक करते हैं और रिप्लेस आल पर क्लिक कर दें, जहाँ जहाँ 85 है यहाँ पर तीन रिप्लेसमेंट हुए हैं बता भी रहा है, और यह रिप्लेस करा करके हम इसको क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फर्स्ट, जिसको बोलते हैं टैब होम, और ये समाप्त हो चुका है।